सो आइसोमेरिज्म दो वर्ड से निकला है, आइसो मीन सेम और मर के मतलब होते हैं पार्ट। तो मैं बता रहा था कि आइसोमेरिज्म एक फिनोमिना है जिसमें क्या होता है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स पॉसिबल होते हैं, कि सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला होता है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने देखा कि ग्लूकोज C6H12O6 ये मॉलिकुलर फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स पॉसिबल होकर डिफरेंट कंपाउंड्स की फॉर्मेशन हो सकती है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर होता है। तो हमारे पास कुछ टाइप्स होती हैं आइसोमेरिज्म की, ठीक है। तो देर आर फाइव टाइप्स ऑफ या फोर या फाइव टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म होती हैं, हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। पहला हम यहाँ पर लिखते हैं दैट इज कॉल्ड चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है। पहला होता है हमारे पास चेन आइसोमेरिज्म। सेकंड जो है हम पढ़ते हैं दैट इज चेन आइसोमेरिज्म के बाद पोजीशन आइसोमेरिज्म, और पोजीशन आइसोमेरिज्म के बाद नेक्स्ट हमारा थर्ड होता है जिसको हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। और चौथा हमारे पास जो होता है दैट इज मेटामेरिज्म। तो बस ये चार पॉइंट हम टाइप्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे आइसोमेरिज्म की। नाउ लिसन, चेन आइसोमेरिज्म, फर्स्ट आइसोमेरिज्म ये कब होता है? चेन आइसोमेरिज्म अराइजेस, अच्छा इसके और भी नाम होते हैं, इसको चेन आइसोमेरिज्म भी कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं स्केलेटल आइसोमेरिज्म, ठीक है। स्केलेटल आइसोमेरिज्म कहा जाए पेपर में चाहे चेन आइसोमेरिज्म कहा जाए एक ही बात है। इसमें क्या होता है कि ये आइसोमेरिज्म उस वक्त आता है कि जब कार्बन के जो स्केलेटन है, लॉन्ग कार्बन चेन है, उसके अंदर तब्दीली वाकई हो जाती है। दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइजेस ड्यू टू द चेंज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन मेन स्केलेटन। मिसाल के तौर पर कैसे, एग्जांपल समझो जरा इसकी। इसकी एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि किस तरह से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चर अलग होता है, स्केलेटन में नंबर चेंज होने की वजह से। C5H12 ये कंपाउंड आपको क्या दिखता है? अल्केन है, अल्कीन है कि अल्काइन है? डबल करके दो पढ़ रहा है, डबल करके दो पढ़ रहा है तो अल्केन है। अब अल्केन के अंदर क्या है, ये पांच कार्बन है तो पेंटेन है। ये तो हो गया, ये जो हमने लिखा है यहां पर दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये अल्केन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अब हम लिखते हैं इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो तीन स्ट्रक्चर मैं आपको बनाता हूँ इसी फॉर्मूले से। पहला स्ट्रक्चर बनेगा 1, 2, 3, 4, 5, सारे कार्बन लॉन्ग चेन 1, 2, 3, 4, 5, ओके, सारे कार्बन लॉन्ग चेन में, और जहाँ पर कुछ नहीं लगा वहाँ पर हम क्या लगा देंगे? हाइड्रोजन लगा देंगे। अब आप उसको गिन लो तो ये हो जाएगा C5H12, पाँच कार्बन 12 हाइड्रोजन इसके अंदर हो जाएंगे, सही है, ओके, C5H12 है ये। अब आते हैं नेक्स्ट, आगे एक और स्ट्रक्चर बनाता हूँ, 1, 2, 3, 4 कार्बन ले लेता हूँ और एक कार्बन जो है वो मैं चेन से बाहर कर देता हूँ, और हर कार्बन के चार चार बॉन्ड पूरे कर देता हूँ, ठीक है, हर कार्बन के चार चार बॉन्ड पूरे कर देते, जितने भी कार्बन आपको दिख रहे हैं स्ट्रक्चर में सबके चार चार बॉन्ड पूरे कर दिया, ये भी गिन लो उसको, टोटल ये C5H12 है, ठीक है, 12 हाइड्रोजन मिलेंगे आपको और 5 कार्बन मिलेगा पूरे स्ट्रक्चर में, गिन सकते हैं आप। तीसरा एक और स्ट्रक्चर बनाता हूँ, 1, 2, 3 कार्बन ऐसे लगाऊं और दो कार्बन चेन से बाहर कर दूं, एक कार्बन यहाँ बाहर कर दूं और एक कार्बन यहाँ बाहर कर दूं, और हर कार्बन के चार चार बॉन्ड में पूरे कर दूं, और जहाँ कुछ नहीं लगा वहाँ पर हाइड्रोजन लगा दूं। अब यहाँ पर भी आप गिन लो C5H12 हो गया ये भी स्ट्रक्चर, ठीक है। तीनों के तीनों का मॉलिकुलर फॉर्मूला C5H12 है, लेकिन तीनों का मॉलिकुलर स्ट्रक्चर डिफरेंट हो रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि ये कार्बन के जो चेन है ना, इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम डिफरेंट हो जा रहे हैं। इसके अंदर जो है वो 5 कार्बन है, इस कार्बन की मेन चेन के अंदर, मेन स्केलेटन के अंदर कितने हैं? 4 कार्बन है, इस कार्बन की मेन स्केलेटन के अंदर लॉन्ग कार्बन चेन में 3 है। इसकी वजह से क्या हो रहा है? आइसोमेरिज्म हो रही है। ये जो आइसोमेरिज्म है इसको हम लोग बोलते हैं चेन आइसोमेरिज्म, ये स्केलेटल आइसोमेरिज्म, के मेन कार्बन चेन के अंदर, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम के चेंज होने से फॉर्मूला सेम रहता है, स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाता है। मैं नाम अभी आपको बताता हूँ कि तीनों का नाम क्या क्या बनेगा। अगर सारे कार्बन चेन के अंदर हो तो उसको हम लोग बोलते हैं N पेंटेन, ये N पेंटेन कहलाता है, और अगर एक कार्बन चेन से बाहर हो तो उसको अलग बोलते हैं आइसोपेंटेन, और अगर दो कार्बन चेन से बाहर हो तो उसको अलग बोलते हैं नियोपेंटेन। तो याद रखो कि N आइसो और नियो कंपाउंड में क्या फ़र्क होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। N क्या है कि जब सारे कार्बन चेन के अंदर हो
तो उसमें हम एन लगाते हैं, एन पेंटेन, इसलिए हम स्क्वायर, नॉर्मल पेंटेन है ये। और आइसो, जब एक कार्बन चेन से बाहर हो, जब एक कार्बन चेन से बाहर हो तो सूरत में हो गई आइसो। और नियो कब लगाएंगे, जब दो कार्बन चेन से बाहर हो। समझ में आया क्या है चेन आइसोमेरिज्म? पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या करेंगे, इसमें कार्बन के चेन के अंदर कोई तब्दीली नहीं करेंगे, बल्कि फंक्शनल ग्रुप के जो पोजीशन होगी ना ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, उसकी पोजीशन को चेंज करके हम आइसोमर्स बनाएंगे। ठीक है, तो पोजीशन आइसोमर्स इसलिए कहते हैं कि इसमें फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन को आगे पीछे किया जा रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर मैं मिसाल ले लेता हूँ, दो एग्जाम्पल आपको मैं दिखाता हूँ। ठीक है, अगर मैं लिखता हूँ C5H11OH, ठीक है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पर, OH, हाइड्रोक्सी अल्कोहल बना हुआ है, पेंटानोल या पेंटाइल अल्कोहल कॉमन में, क्लास क्लास में पढ़ा था। ठीक है, अब मैं बताता हूँ इसके आपको आइसोमर्स। ठीक है, पांच कार्बन लगाया, 1, 2, 3, 4, 5, पांच कार्बन लगा लिया और हर जगह पर गए, अच्छा हर जगह पर कुछ ना कुछ मतलब इस तरह से हाइड्रोजन लगा दिया, एक जगह को छोड़कर, यहाँ से छोड़कर बाकी हर जगह पर लगा लिया। ठीक है, तो हाइड्रोजन 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 हर तरफ लग गया। फिर मैं बता रहा हूँ, आप चाहो तो उसको CH3 CH2 CH2 कर सकते हो अगर आपको अजीब ऑकवर्ड लगता है तो। ठीक है, अब पहले वाले यहाँ पर, अब ये रेडिकल बना C5H11, इसमें लगा दिया हमने क्या, कोई फंक्शनल ग्रुप OH, तो OH लग गया फंक्शनल ग्रुप, फर्स्ट पोजीशन पर लगा हुआ है। ठीक है, पांच कार्बन में, तो ये हो तो गया पेंटानोल, IUPAC के नेम के लिहाज से पेंटानोल, और चूंकि फर्स्ट पोजिशन पर OH लगा है तो उसको हम लोग बोलेंगे 1 पेंटानोल। ठीक है, 1 पेंटानोल, क्यों 1 पेंटानोल, चूंकि फर्स्ट पोजिशन पर लगा हुआ है, बाकी सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ पोजिशन चल रही है। अब मैं आपको एक और स्ट्रक्चर दिखाता हूँ, कार्बन कार्बन कार्बन, इसको गिनोगे टोटल तो ये C5H11OH बन रहा होगा। मैं गिन रहा नहीं, आप भी नहीं करो, जरूरत नहीं, उतना ही होता है, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, बिल्कुल। अब यहाँ पर देखो, इस OH को फर्स्ट कार्बन के बजाय हम सेकंड कार्बन पे लगा देते हैं, अब ये 1 पेंटानोल नहीं है, बल्कि अब ये क्या है, अब अगर देखो 1 पेंटानोल और 2 पेंटानोल को, 1 पेंटानोल और 2 पेंटानोल को देखो तो क्या इसके अंदर क्या चेन में तब्दीली हुई, दोनों में स्ट्रेट चेन है, एन स्ट्रेट चेन है, लेकिन दोनों में क्या है, पोजीशन फंक्शनल ग्रुप क्या लगे, एक में फर्स्ट पे और एक में सेकंड पर है। एक और बना सकते हैं थर्ड पे, थर्ड पे OH कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 पेंटानोल। अच्छा, क्या 4 पेंटानोल भी कर सकते हैं, हो सकता है। फोर्थ पे जाकर अगर आप बोलें जैसे 1, 2, 3, 4, 5, तो 1, 2, 3, 4, 5, तो फोर्थ पे लगा देंगे, तो बच्चे कहते हैं भाई इस तरह से सर कर दें, तो ये 1, 2, 3, तो ये 4 पेंटानोल हो गया। याद रखो ये गलत है, ये नहीं बनेगा, इसके तीन ही आइसोमर, पोजीशन आइसोमर 3 बनेंगे। वजह क्या है, क्योंकि जब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बनाते हैं तो नंबरिंग उस तरफ से करते हैं जहां से फंक्शनल ग्रुप करीब होता है, तो यहां से देखो वहां से नंबरिंग, इसलिए क्या, फंक्शनल ग्रुप यहां से करीब था, यहां से करीब था, यहां से करीब था, बट इस बार फंक्शनल ग्रुप लेफ्ट साइड के बजाय राइट साइड से करीब है, फिर 2 पेंटानोल वापस हो जाएगा, तो 4 पेंटानोल और 5 पेंटानोल नहीं बन सकता। समझ में आ गई बात मेरी, तो ये पोजीशन। अब एक और एग्जांपल से समझ लो, ये नहीं लिखना तो दूसरा एग्जांपल ले लो कि C5H10 CnH2n, अल्केन अल्कीन अल्काइन, अल्की अल्कीन है, डबल है, तो ये होगी आपके पास पेंटीन। ठीक है, अब इसमें 5 कार्बन, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, और कहीं एक पर डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया और सबके 4-4 बॉन्ड पूरे कर दिए, खुद ब खुद 10 हाइड्रोजन हो जाएंगे। ठीक है, एच लिख नहीं रहा मैं, सेंटर सपोज कर लो एच हर तरफ। अब फर्स्ट पोजीशन में डबल बॉन्ड लगा है तो और टोटल 5 है पेंटीन, इसका लोग बोलेंगे 1 पेंटीन। अब क्या कर लूँ, समझ लो क्या करने वाला हूँ, सेकंड पे लगाने वाला हूँ। अब ये क्या कहलाएगा, 1 पेंटीन 2 पेंटीन, तो 1 पेंटीन और 2 पेंटीन आइसोमर्स तो है, लेकिन ये चेन आइसोमर्स नहीं है बल्कि पोजीशन आइसोमर्स है। क्यों पोजीशन आइसोमर्स है, चूंकि इनमें फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन को आप आगे पीछे कर रहे हो, डबल बॉन्ड भी फंक्शनल ग्रुप ही होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। बात समझ में आ गई,